गोरखपुर के प्रख्यात साहित्यकार आचार्य स्वर्गीय डॉक्टर कौर बहादुर सिंह कौशिक के चौथी पुण्यतिथि पर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षा भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री चेतन चौहान, विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री धर्मपाल सिंह चित्र है। इस मौके पर सजनवा विधायक शीतल पांडे, नगर विधायक डॉक्टर मोहनदास अग्रवाल सहित सभी विधायक मौजूद रहे। श्रद्धांजलि सभा में वक्ताओं ने बताया कि ग्रामीण अंचल से निकलकर प्रदेश स्तर पर अपनी छवि और प्रतिभा को स्थापित करना बहुत ही मेहनत और लगन के बाद ऐसा हो पाता है, और उनके पदचिन्हों पर चल के उनके पुत्र विभ्राट सिंह कौशिक ने क्षेत्र व जिले के बाद प्रदेश में अपना नाम स्थापित किया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक ने कहा, बल्कि भाव और संवेदना के स्तर पर अपने छात्र को सतत और उत्कृष्ट बनाने का अभ्यास है। एक राष्ट्रवादी इतिहास के लिए इतिहासकार के रूप में संदीप दुर्गा आशीष कसौदा जी को बुलाऊंगा मंच पर कि वे प्रोफेसर हरीश कौशिक जी सभागार में यदि उपस्थित हैं तो कृपया मंच पर आके आप उत्तरी प्रदान करें। यह परंपरा स्थायी है और सनातनी है कि हम चित्र की पूजा नहीं करते, अपितु चित्र के पीछे जो विराट चरित्र छिपा होता है वो जाता था।
उमेश सिंह जी, पूर्व चेयरमैन गंगाई बरहट और शुभम सिंह जी को आमंत्रित करते हैं। नीरज सिंह जी यदि उपस्थित हो तो कृपया शीघ्रता से आए। मैं डॉक्टर विभ्राट चंद कौशिक, मंत्री युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, उपाध्यक्ष युवा कल्याण परिषद उत्तर प्रदेश, और मैं उनका पुत्र हूं। आज स्वर्गीय कुंवर बहादुर कौशिक जी की पुण्यतिथि में माननीय सिंचाई मंत्री और गोरखपुर जनपद के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह जी, खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री माननीय चेतन चौहान जी, उत्तर प्रदेश के होमगार्ड, पुनर्वास, नागरिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अनिल राजभर जी, माननीय विधायक नोएडा एवं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी श्री पंकज सिंह जी, इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर दयानाथ त्रिपाठी जी, विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर हरिशरण जी, स्थानीय विधायक श्री शीतल पांडे जी, श्री महेंद्र पाल सिंह जी, श्री विपिन सिंह जी, श्री संगीता यादव जी, गोरखपुर विश्वविद्यालय के कुल सचिव, परीक्षा नियंत्रक, अधिष्ठाता छात्र कल्याण और तमाम कॉलेजों के प्राचार्य, शिक्षकगण, हमारे तमाम शैक्षिक और सामाजिक संगठनों के पदाधिकारीगण, हमारी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारीगण और तमाम हमारे गांव के लोग, हमारे परिवार के सदस्य, तमाम लोग यहां पर उपस्थित थे। वो अद्भुत प्रतिभा के धनी थे। शुरू से ही वो इतिहास में उनकी रुचि थी। वह जो है, उन्होंने पहली बार भारत के इतिहास में यह सिद्ध कर दिया था कि सिकंदर का भारत आगमन हुआ ही नहीं था, क्योंकि वह झेलम नदी भारत की सीमा थी और झेलम को वह क्रॉस ही नहीं कर पाया था। वह बहुत बड़े इतिहासकार थे। उन्होंने अपनी लगभग 50,000 पुस्तकें गोरखपीठाधीश्वर और वर्तमान मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पुस्तकालय में दिया, और उनके निर्देशन में सामाजिक विषयों, चाहे प्राचीन इतिहास, चाहे शिक्षा शास्त्र, चाहे संस्कृत, चाहे राजनीति शास्त्र, चाहे हिंदी, चाहे भूगोल जैसे जो विषय थे, उनमें कम से कम हजारों बच्चों को उन्होंने शोध करवाया, जो आज विभिन्न जगहों पर, विभिन्न पदों पर, यहाँ तक कि उनके ही परम शिष्य डॉक्टर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी आज उच्चतर शिक्षा आयोग के अध्यक्ष हैं, विश्वविद्यालय में लोग हैं, महाविद्यालयों के प्राचार्य लोग हैं। उनका बहुत बड़ा भारतीय इतिहास लेखन में एक भारत की ऐतिहासिकता, भारत की का इतिहास, इसमें बहुत बड़ा उनका योगदान था। अब देखिए, मृत्यु तो शाश्वत सत्य है। उनकी उम्र भी जिस समय उनका निधन हुआ लगभग 88-89 साल की, तो पृथ्वी पर कहा जाता है कि जो आया है उसको जाना ही जाना है। लेकिन यह है कि भारतीय इतिहास लेखन की और विशेषकर भारतीय परंपरा की एक महान थाती को उनके निधन से एक अपूर्णीय क्षति हुई है।